Cylinders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories near old auto office Mahabubnagar. नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं
विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के फैसले को वापिस ले। हम नरेंद्र मोदी बीजेपी को बताना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश स्टेट के आंध्र आवाम के लिए एक प्राइड का मसला है और बड़ी कुर्बानियों के बाद विशाखापट्टनम स्टील प्लांट बनाया गया था। 1970 में करीब 32 लोगों ने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, तब जाकर उस वक्त के मरकजी हुकूमत ने इस बात का फैसला लिया कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का ख्याम अमल में लाया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कम से कम 65 गांव को उसकी जमीन को इसमें मिला दिया गया और करीब 22,000 एकड़ लैंड इसमें इस्तेमाल की गई। आपको मैं बताना जरूरी समझता हूँ शुरुआत में कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में 19,000 एकड़ जमीन है जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1,00,000 करोड़ है। मैं ये बात समझने से खासिर हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री आखिर क्यों विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। क्या भारत सरकार के पास, क्या मोदी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है कि वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को दोबारा स्टार्ट करवाए? क्या नरेंद्र मोदी 20,000 लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6.5 साल में जनता को वादा किया था कि हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, मगर नौकरी नहीं दी। भारत के गरीब आवाम और नौजवान उनका मुखदर बेरोजगार बनाकर रख दिया उनको। आज ये सरकार विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को प्राइवेटाइज करके क्रोनी कैपिटलिज्म की एक बेहतरीन मिसाल यहाँ पर पेश कर रही है। हम करनूल के इंतखाबी जलसे से यहाँ की रियासती हुकूमत के चीफ मिनिस्टर, वाईएसआर पार्टी के चीफ मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों से हम डिमांड करते हैं कि वाइजाग स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए। और हम वाईएसआर पार्टी से इस बात का डिमांड करते हैं कि आंध्र प्रदेश की जनता ने इतनी बड़ी तादाद में आपको लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन में कामयाब किया। हमारा डिमांड ये है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर अपना सिर्फ खत लिखकर मोदी से अपने गम का इजहार ना करें, बल्कि हम चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंध्र प्रदेश की जनता के मिजाज को समझें और रोड पर निकल कर आकर बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज करें। MIM पार्टी भी उनका साथ देगी वाइजाग स्टील प्लांट को। दूसरी मेरी बात आप तमाम से अर्ज करना यह है कि ये एक इलेक्शन की मीटिंग है और 10 तारीख के दिन इंतखाबात या पोलिंग का दिन है। मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं मेरे भाई कि MIM पार्टी ने 2019 के असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमने आप तमाम से अपील की थी कि आप इस इलेक्शन में TDP और BJP के खिलाफ वोट दीजिए। हमने आपसे अपील किया था कि आप असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए जगनमोहन रेड्डी का साथ दीजिए। आज ये म्युनिसिपल इलेक्शन है, मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आंध्र प्रदेश की आवाम से अपील कर रहा हूं कि जहां कहीं भी MIM पार्टी के कैंडिडेट हैं, आप MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर कामयाब करिए। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि आपने MIM पार्टी की अपील पर हमारी बात की, आपने लाज रखी और असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने नायडू और मोदी को हराकर यहां पर एक नई पार्टी को मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम से अपील करने आया हूं कि 10 तारीख के दिन जहां कहीं भी MIM पार्टी के कैंडिडेट्स हैं या जो उनके ताईदी उम्मीदवार हैं, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अधोनी में हो, करनूल में हो, नंदियाल में हो, हिंदूपुर में हो, अनंतपुर में हो, कड़पा में हो,
या विजयवाड़ा गुंटूर में हो, आप इन तमाम मुकामात पर एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को कामयाब और कामरान करिए। मेरी आपसे एक और बात, आपको ये बात रखना था कि यह अजीब बात है कि असेंबली का इलेक्शन आता है तो वाईएसआर पार्टी के लोग हमको फोन करके बोलते आप हमारी सपोर्ट करो, पार्लियामेंट का इलेक्शन आता तो आप हमको बोलते, अब म्यूनिसिपल इलेक्शन आया तो एमआईएम पार्टी का मीटिंग मैदान में नहीं होना, हिंदुपुर में इलेक्शन क्यों लड़ रहे, अनंतपुर में क्यों लड़ रहे, अधोनी में हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन दिए फिर कैंसिल कर दिए। तो मैं इन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अधोनी में आपने हमको परमिशन नहीं दिया तो मैंने कहा कि ठीक है, हमारा प्रोग्राम आज अधोनी में जुमे की नमाज के बाद जलसा था, इंतखाबी जलसा, मगर वहां पर बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं और अधोनी के आवाम को कह दिया कि मेरे को मिनिस्टर बनना है, असदुद्दीन ओवैसी को अधोनी में जलसा करने नहीं दूंगा, मैं उनको बताऊंगा कि आप मिनिस्टर बन जाओ या चपरासी बन जाओ, मगर एक बात याद रखो, आप मंदली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोक नहीं सकते, मंदली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक असदुद्दीन ओवैसी का नाम नहीं है, ये तमाम लोग मंदली से तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो ये समझ रहा है कि एमआईएम पार्टी को जलसे नहीं होने देंगे, एमआईएम पार्टी के लोगों को डराएंगे, मेरे भाई डरते होंगे तेलुगु देशम के नायडू वाले, डरते होंगे बीजेपी आरएसएस वाले, हम किसी से नहीं डरते, हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो अब क्या हुआ, वहां के अधोनी के जो जिम्मेदार थे वाईएसआर पार्टी के, उन्होंने हिमाकत करे, क्या करे, हिमाकत करे, थोड़ा दीवानापन करे, अगर आज मेरा जलसा हो जाता मैं यहाँ पे आ जाता, मगर उन्होंने हमारा जलसा कैंसिल कराए, हमको चैलेंज करे, तो मैं बोला ठीक है आज नमाज पढ़ने अधोनी में आऊंगा और कल फिर जलसे में जाऊंगा। तो अब क्या हो गया, दो बार अधोनी जाना पड़ रहा, अब दो बार हम शेरवानी वहां पर जाएंगे तो असर रहेगा इंसान, ये समझते नहीं है, मेरे को मिनिस्टर बनना है, हर कोई मिनिस्टर बन रहा नहीं, आप असद साहब को मत बुलाइए, मजलिस को कैंडिडेट मत खड़ा करो, मेरे भाई किसी एमएलए को मिनिस्टर बनना है तो मजलिस को मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है, मजलिस को लड़ने का शौक है, मजलिस को अगर कोई मिनिस्टर बनता तो बन जाए, हमको इससे कोई परवाह नहीं है, आप बनते जो बनते बन जाओ, मगर हमको हमारा हक मिलना चाहिए, हमारे मसाइल हल होना चाहिए, इसीलिए अगर कोई आके ये बोलेगा कि एक आदमी की मकबूलियत के लिए एक आदमी को मिनिस्टर मिलने वाला है, आप उस बिना पर पूरे गरीबों के मफाद की कुर्बानी दे दो या कॉम्प्रोमाइज कर लो, मेरे भाई ये नहीं हो सकता है, जब तक हम जिंदा रहेंगे सबसे लड़ेंगे इंशाअल्लाह होगा, और हमारी ये जुद्दोजहद, हमारी ये लड़ाई अपनी मकबूलियत के लिए, अपनी अना के लिए नहीं है, बल्कि गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख है, 63 इयर्स से 63 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम की खिदमत करती आ रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया करनूल को आने का, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा
मैं बार बार करनूल को धोने को आप नहीं रोक सकते मेरे को, इसलिए नहीं रोक सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़ाई इखलास के ऊपर मुबन्नी है। हम अपना हक चाहते हैं और MIM पार्टी ने बहुत से चीफ मिनिस्टर को देखे। मैं आज से 25 साल पहले MLA बना था। मैं 25 साल पहले जब 1994 में MLA बना तो मैं एक ही MLA था। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर थे NT रामाराव, उनको धोखा दिए चंद्रबाबू नायडू 9 साल या जो भी थे, उसके बाद उनको पावर चला गया, साइकिल में हवा कम हो गई। तो YS राजशेखर रेड्डी CM बने, हम उनको देखे। YS राजशेखर रेड्डी के हादसे के बाद रोशैया बने चीफ मिनिस्टर, हम उनको देखे। उसके बाद किरण कुमार रेड्डी आए, उन्होंने मजलिस से झगड़ा करे, उन्होंने अपनी पार्टी बना लिए, पार्टी का निशान चप्पल रखे, चप्पल राज में आई। किरण कुमार रेड्डी चले गए, आंध्रा तो बाइफरकेशन हो गया। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू बने, 5 साल के बाद उन्होंने घर में बैठ गए, उन्होंने जगनमोहन रेड्डी बन गए। तो अब तक माशाल्लाह से हम लोग 7-8 चीफ मिनिस्टर को देख लिए। आप हमको मत रोको, आप जितना हमको रोकेंगे ना हम उतना जिद में आते। मजलिस के मुखालिफिन बोलते थे, मजलिस के जितने मुखालिफिन बोलते थे असदुद्दीन ओवैसी तुम गुजरात को नहीं जाते, तुम मोदी से मिले हुए है, गुजरात को नहीं जाते, नहीं जाते। हम गुजरात को गए नहीं गए, ना गुजरात को गए। अहमदाबाद में खाली 25 दिन की मेहनत हमारे वहां के सदर जनाब साबिर भाई साहब ने, उनकी टीम ने की। 25 दिन की मेहनत में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के 7 कॉरपोरेटर और अहमदाबाद में कामयाब हुए। गोधरा को पहली मर्तबा जिंदगी में गोधरा गया, 8 कैंडिडेट खड़ा किए, 7 जीते अल्हम्दुलिल्लाह। मोडासा में अगर मैं गलत ना कहूं तो 12 या 13 खड़ा किए, 9 जीत गए। अब मोडासा में लीडर ऑफ अपोजिशन MIM पार्टी का कांग्रेस को हमसे कम मिले। फिर भरूच में हमारे एक उम्मीदवार को कामयाबी मिली। तो मैं इन लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे को चैलेंज नहीं करना। तुम चैलेंज करे तो हम चैलेंज कबूल करने तैयार हैं। क्योंकि याद रखो तुम भी इंसान मैं भी इंसान, तुम आज पावर में तुम कल नहीं रहेंगे, मैं तो हमेशा हूं रहूंगा इंशाल्लाह। तो इन लोगों को क्या होता है कि पावर, हम पावर में है, हम रूलिंग पार्टी है। अरे तेरे जैसे 56 को देख लिया मैं, रूलिंग पार्टी है तेरी। रूलिंग तो अल्लाह की है, लहू माफी समावात है, वहां फिल अर्ज जमीन व आसमान का मालिक अल्लाह है। तुम क्या रूलिंग करते, उन्हें रूलिंग करा बोलते। सुबह में सूरज निकलता, रात में चांद तारे ये सब आते, बारिश होती, रूलिंग कहीं की रूलिंग भाई तेरी, कोई रूलिंग नहीं। ये दुनिया में हम सब जो है मुसाफिर है, पानी के बुलबुले हम सब लोग। तो ज्यादा हुरूर तकबर नहीं करना बाबा, अल्लाह मौका दिया काम कर लो। मिनिस्टर बनना है जो मिनिस्टर बनो, क्या क्या बनते बनो, लाल गाड़ी के ऊपर लाल लाइट लगा के फिर लो, दूल्हे बन के हमको इतराज नहीं है। हमारे को डिस्टर्ब करे तो हम तुम्हारे पीछे पड़ जाते थे, और ऐसा पीछे पड़ते हैं कि तुम्हारे को आइंदा असेंबली इलेक्शन में नतीजा दिखाएंगे मेरा। तो इसीलिए मैं इखलास के दायरे में रहकर, अदब के दायरे में रहकर इन लोगों से अपील कर रहा हूं, अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। आप अपना काम कर लो, कौन रोक रहा आपको। मगर नहीं, यहाँ मैदान में नहीं करना है MIM पार्टी। MIM पार्टी को जलसा कैसा देती, आज बंद है। अरे आंध्रा में बंद है, हम भी बंद की ताईद करें,
जुनेद भी करे, मंसूर भी करे, सब करे, तायिद करे, मगर ये शाम में बंद होता क्या? मैं हमारे को कोई बोले बड़े लोग वो गवर्नमेंट करे साहब बंद है, मतलब रात में कुत्ते का पेशाब भी बंद है क्या? रात में वो बंद नहीं होता। तुम बोले तुम कुत्ते का पेशाब पियो, पब्लिक में जाके अपना वोट का मुतालबा करेंगे पतंग के नुकसान के। बंद बंद, अरे बंद है तो दिन का बंद है। आज मैं जा रहा था अधोनी को, कौन सा गांव था जिसमें कोटपुर में गाड़ी मारो के आज है ना, है ना, तो हमारे को देख के आके बोले साहब एक दो मिनट आप भी हमारे प्रोटेस्ट पर शामिल हो जाओ। हम बोले ठीक है, बराबर गया मैं। वहां पे कम्युनिस्ट लीडर थे गफूर साहब नाम याद है। गफूर साहब बोले आओ जी तुम आओ, जरा आके दो लोग बोलो, जरा कौम का नाम अच्छा होता। बोले अच्छी बात है, आता अब्दुल गफूर साहब जाके बोले। तो ये हमारा काम यही है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये लोगों के बातों में मत आइए। MIM पार्टी के जो करनूल में 7 कैंडिडेट है, जुमला कितने वार्ड आए आप? 33 30 पे 3 है, हाँ 30 पे 3 वार्ड में हम खाली 7 लड़े तो इनके पेट में दर्द हो रहा। 30 पे 3 है, 33 वार्ड है। एमएलए के 33 मालूम है, 52 है मालूम। अब वो उसमें से खाली 7 लड़े तो इनको सांस चढ़ रही। अभी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? अरे क्या करते, इलेक्शन लड़ने आ रहे, तुम भी वोट मांग रहे, मैं भी वोट मांग रहा हूँ। तुम तुम्हारी पार्टी के नाम पे मांग रहे, मैं अपनी पार्टी के नाम पे मांग रहा हूँ। मैं इनसे जा कह रहा हूँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम बोल सकते, तुम भाई है बोल के नहीं बोल सकते। करनूल का जहां जहां एक एक घर आपका घर है, वो मेरा घर भी है। करनूल हो, अधोनी हो, नंदियाल हो, नंदीपुर हो, आनंदपुर हो, हिंदूपुर हो, जहां जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे वो घर आपका भी है, मेरा भी है। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। मेरा हक बनता आपसे वोट का मुतालबा करना, और मैं लड़के आपसे वोट लूंगा, क्योंकि आप मेरे को नहीं दिए तो क्या गैरों को देंगे? तो आपको MIM पार्टी को वोट देने का है। 10 तारीख को जहां पे पतंग का निशान दिखा, टमाटर टमाटर, और 10 तारीख को पूरे आसमान पे खाली पतंग नजर आना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब अहमदाबाद में MIM पार्टी को 7 हमारे कैंडिडेट जीत गए, तुम करनूल में 6 नहीं जीता सकते? जब गोधरा में हमारे 7 कारपोरेटर कामयाब हो गए, तो क्या आप नंदियाल अधोनी में हमको नहीं जीता सकते इंशाल्लाह? तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये, हाँ नंदी कोटपुर के हमारे वार्ड नंबर 7 से मौला अली, वार्ड नंबर 8 से एस फारूक, वार्ड नंबर 20 से हिदायत, वार्ड नंबर 24 से अब्दुल मन्नान साहब MIM पार्टी के कैंडिडेट हैं। तीसरी अहम बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारे जुनेद साहब मजलिस के कायद हैं। यहाँ पर गोनीगंडला मंडल में एक 24 साल की हाजिरा बी का मर्डर हो गया, अगस्त 7 को उसका मर्डर हुआ। ये आज जो आके MIM पार्टी नहीं लड़ना बोल रहे, उन्होंने गए के हाजिरा बी के घर को, आप पूछो जाके गोनीगंडला मंडल में 24 साल की 20 पे 4 साल की बच्ची हाजिरा बी जिसका मर्डर हो गया अगस्त 7, 2020 को, ये कोई जाके नहीं मिले उससे? जुनेद गए जाके उनकी वालदा से मिले, अभी लाके मेरे को उनकी वालदा से मिला है, उनकी अम्मा से, बच्ची से। वो अम्मा रो रही थी कि मेरे बच्ची से इंसाफ करो, अभी तक किसको अरेस्ट नहीं करे। मैंने कहा कि अम्मा इंशाल्लाह सुबह में मैं SP और कलेक्टर साहब से बात करके हमारी बच्ची को जो लोग मर्डर किए उनसे डिमांड करूंगा, उनको अरेस्ट करना पुलिस, उनको जेल को भिजाना, और कोर्ट के केस के जरिए उन तमाम को सख्त से सख्त सजा
302 में जो आईपीसी मिलती है मिलना चाहिए, ये काम एमआईएम पार्टी कर रही है। अब आप जो लोग हमको बोल रहे कि काम नहीं, ये आप इलेक्शन नहीं लड़ना, यहाँ कई कुआ साहब आप, यहाँ अच्छा माहौल है, अरे अच्छा माहौल को अच्छा करने आए, खराब करने कौन आई थी? जब CAA का मीटिंग हुई CAA के खिलाफ, NPR NRC के खिलाफ, तो बड़े मैदान में हुई थी, हजारों की तादाद में आपने शिरकत की थी, हम आए थे, जब आके बाजू बैठना जरूरी था इनको, मेरे इनको बुलाए भी नहीं थे, नहीं नहीं मैं बाजू बैठता, मतलब बैठो, हमको बोल रहे बाजू नो को बैठो, दिल में बैठ जाओ, आके जगह है हमारी। मुस्लिम पर सल्ला बोर्ड का जलसा हुआ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ पूरे उलमाए कराम आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह करनूल के तमाम उलमाए कराम, मशायकीन, मदरसे के जिम्मेदारान की सरपरस्ती में वो जलसे आम हुआ, आप तमाम ने शिरकत की। तो मेरी अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं कि करनूल में हो या आंध्र प्रदेश में हो, आपको अपनी एक पॉलिटिकल वॉइस की जरूरत है, आपको अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करना जरूरी है, ताकि कोई आपके लिए लड़े, ताकि हुकूमत के पास जाकर आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, अगर आप ये समझेंगे नहीं नहीं असद साहब अच्छी तकरीर करते, हम तकरीर जलसे में आएंगे, सीटी मारेंगे, ऊ हा करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 10 तारीख को आप सुबह सुबह अपने घर से निकलकर अपना एक एक वोट MIM पार्टी को देंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करो। आप ये देख रहे पूरे मुल्क में कैसे हालात हो रहे हैं, जब से BJP की सरकार बनी है अक्सरियती तबके की जमहूरियत का उसका फरोग दिया जा रहा है, जो मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, और जो गरीब बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो सब लोग फिक्रमंद हैं कि ये मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से हमारी आवाज को बंद कर दिया जा रहा है, घुटन महसूस हो रही है। अगर कोई अपने आप का मुतालबा करता, अगर कोई बोलता है कि दिल्ली के फसादात में वो जो बच्चा फैजान, वो फैजान का वीडियो आपने देखा होगा कि 4 लड़के जमीन पर पड़े हुए हैं, और दिल्ली की पुलिस या कहां की पुलिस उन बच्चों को मार कर कह रही है कि जनगण मना पढ़ो, तो उसमें से एक बच्चा दर्द की हालत में, कर्ब की हालत में, तकलीफ में जनगण मन पड़ता है, बाद में फैजान मर जाता है। अगर मैं फैजान के मारने वालों को गिरफ्तारी का, उनके अरेस्ट का मुतालबा करता हूं, तो एंटी नेशनल करार दिया जाता है। मैं ट्वीट करता हूं तो दिल्ली पुलिस रिप्लाई करके कहती है कि फुला पढ़ लो। अरे दिल्ली पुलिस वालों, तुम यकीनन बहुत अक्लमंद होंगे मुझे मालूम, मगर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पुलिस से, कि मैं आज के जलसे से आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो फैजान को जिन्होंने मारा, क्या आपने उनको गिरफ्तार किया? जिन्होंने फैजान को मारा, आपने उनको गिरफ्तार किया? जो 19 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया या शहीद किया गया या जलाया गया, आपने उनको कितनों को गिरफ्तार किया, बताओ आप? नहीं इसका जवाब आता आज। इसीलिए मेरे भाई, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि समझाने के लिए हकीकत बयान कर रहा हूं। ये रात लंबी होने वाली है, ये रात बड़ी लंबी होने वाली है, और याद रखो आपको पहले से ज्यादा अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करना है, आपको पहले से ज्यादा अपने आप पर उसकी अल्लाह की जात पर तवक्कल करना है, आपको पहले से ज्यादा मुत्तहिद रहना है, आपको पहले से ज्यादा आज मजलिस की आपको जरूरत है। मजलिस आपकी आवाज है, मजलिस आपकी पहचान है। क्या आप नहीं देखते कि भारत की पार्लियामेंट में जब कभी भी कोई मसला आता है तो कौन उठकर BJP की हुकूमत के खिलाफ बेबाक तरीके से उनको बयान करता है? यहां से आंध्र प्रदेश से YSR पार्टी के भी MP हैं, TDP के भी MP हैं, मगर जब CAA का कानून पास हुआ तो ये तमाम दोनों पार्टी के लोग क्या बोल रहे थे किसी को समझ में नहीं आ रहा था, या दोस्ती कर रहे थे या दुश्मनी कर रहे थे नहीं मालूम।
ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया। दोनों पार्टी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम बीजेपी को तलाक दे रहे या शादी कर रहे, वो भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ना तलाक देना चाह रहे ना निकाह में ले वापिस लेना चाह रहे। मगर कौन साफ और वाजे तरीके से, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे CAA का कानून हो, चाहे बजट हो, हम बेबाक तरीके से दलाल को बीजेपी की मुखालिफत करते आ रहे हैं। ये काम MIM पार्टी कर रही है। और आप जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से भी MIM पार्टी का कैंडिडेट कामयाब हुआ। MIM पार्टी के अब 2 MP हो गए, 2 है। ये दो 300 पे पारी। अब जिनके पास 20-20 3-3 है उन्होंने क्या कर रहे, कहां गया स्पेशल स्टेटस, कहां गया स्पेशल स्टेटस बोलो मेरे को आप। कुछ नहीं बात ना DDP करती ना इन्हू करते, क्या कहा किधर गया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, अगर कल तुम अधोनी में मेरे जलसे का परमिशन कैंसल नहीं करते, खाम अखा उंगली करे नहीं छेड़खानी करना हमसे पाशा, छेड़खानी करे तो हम काज कोरे की फल्ली है तुम्हारे को गुजरी होती याद रखो। अब मेरे को फोन करके कोई बोलते अरे असद साहब हिंदूपुर क्यों आते, मतलब क्यों नहीं आना, अरे कहीं को आते, मतलब हो आ तो मेरे अब्बा की जागीर है, यहां नहीं आना वहां नहीं, अरे फिर कहां जाना पाशा, कहां जाना। मेरे ना तो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ना मेरे को कोई वो इरिगेशन का कॉन्ट्रैक्टर हूं, ना मेरे पास कोई माइन है, ना मेरे पास कोई कंपनी है, खाली एक ही काम है गाड़ी में बैठना जलसे करना है, MIM पार्टी का हरा झंडा लेकर MIM पार्टी जिंदाबाद। अब ये दूसरों को उनका कॉन्ट्रैक्टर भी है, दौलतमंद भी है, करोड़पति भी है, तो उनको डर होता, इनको इनसे डर होता, उनको उनसे डर होता, अरे तुम दोनों डर लो हमको क्या कर रहा। मेरे भाई मेरी आप तमाम से, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों से गुजारिश है कि आप MIM पार्टी को सपोर्ट करना है, 10 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और आपको वो और एक इल्जाम नहीं, कम्युनल है, फिरका परस्त है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी स्पीच देते तो हेट स्पीच देते, भड़काऊ भाषण देते। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम चैलेंज कबूल कर लिए तो आओ अपन खड़े रह के एक डिबेट कर लेंगे, मालूम कर लेंगे कौन फिरका परस्त है, बताएंगे कहां की फिरका परस्ती, हम बता सकते हैं आपको। MIM पार्टी कम्युनल है, अरे क्या तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है, कंपनी है, तुम्हारे पास क्या कंपनी है, तुम स्टैंप मार के दिए तो सेकुलर, उन्होंने नहीं दिए तो कम्युनल, अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं झूठी पे रखता हूँ तुम्हारे सर्टिफिकेट को, नहीं कम्युनल है, अरे तुम अरे मैं कम्युनल तो तुम क्या है बताओ, फिर तुम क्या है बताओ, हर जगह पे अरे MIM पार्टी कम्युनल, अरे तुम जितना बोलेंगे उतना मोहब्बत अल्लाह आवाम के दिलों में डालेगा इंशाल्लाह, कम्युनल है। अरे कौन सा कम्युनलिज्म की बात कर रहा हूं, मैं तो बाबा साहेब अंबेडकर का बना हुआ संविधान में जो हुकूक दिए गए, जो राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उनको बोल रहा हूं हमको दो आप, नहीं कम्युनल, अरे कहां कम्युनल है। हम तो कह रहे हैं कि भारत में जो दलित है, आदिवासी है, जो मुसलमान है, जो गरीब है, पसमानदा है, आप उनसे इंसाफ करो, उनके महलों में तरक्की कराओ, उनके बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम करो, उनके बच्चों को नौकरियां दिलाओ। अगर ये कम्युनलिज्म है तो बताओ फिर सेकुलरिज्म क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि दुल्हन की स्कीम कहां गई अल्लाह को मालूम, वक्फ बोर्ड के जमीन का कमेटी नहीं बनती, माइनॉरिटी कारपोरेशन, ओवरसीज एजुकेशन स्कॉलरशिप, वो भी नहीं मालूम किधर गया। मेरी आपसे एक ही अपील है कि आपको जमहूरियत में एक अपोजिशन की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या हो रहा आंध्र प्रदेश में, ये रूलिंग पार्टी वाले बोलते अरे TDP वाले पैसे लेके बैठ गए, तुम कहीं को नहीं ले रहे,
पूछते हैं पूरे टीडीपी वाले नायडू को धोखा दे, नायडू ससुरे को दिए, अब इनला नायडू को धोखा दे। जितने नायडू से टिकट लिए उनको वो वायसर वाले बुला के इधरा भाई गुलाब जामुन खा सो जा, हमारे को बुलाए, उन्होंने बोले गुलाब जामुन खाओ, हम बोले नहीं खाते, बोले दो खाओ, हम बोले नहीं खाते, पूरा डब्बा ले ले, हम बोले नहीं खाते, उसको बोले क्या खाते, तो हम बोले हम तुमको खाते। अरे टीडीपी और एमआईएम में फर्क है बाबा, हम जमीर का सौदा नहीं करते, ईमान का सौदा नहीं करते, हम जीतेंगे हारेंगे अल्लाह की मर्जी, मगर हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जब दुनिया में तारीख लिखी जाएंगी भारत की सियासत की, तो मौरिख लिखेगा कि हाँ ये लोग, इनकी खूबसूरती, इनकी ताकत, इनकी अहमियत, इनकी खसूसियत ये थी कि लड़ने वाले लोग थे, ये किसी से डरने वाले नहीं थे। हम तारीख लिखना चाह रहे हैं, हम हिस्ट्री बनाकर रहेंगे भारत की जमहूरियत में इंशाअल्लाह ताला। हम भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है, कैसे मजबूत करेंगे, जब दलित आदिवासी मुसलमानों को उनका पॉलिटिकल राइट मिलेगा, उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बनेगी, और उसके लिए आपको मदद करना है, पहले अपनी दुआओं से, फिर अपने फिर जमात को मशवरा देते रहना, हम गलती करें मंसूर गलती कर रहा है, ए जुनैद सही हो जा, ये आपका काम है, इसीलिए ये आपकी जमात है। 63 साल का सियासी सफर कोई आसान सफर नहीं रहा मेरे भाई, इसमें यकीनन हम तमाम को खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, कुर्बानियां देनी पड़ी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने अपना वक्त लगाया, तब जाकर आज एमआईएम पार्टी को एक मुकाम मिला है। मैं करनूल की आवाम को एक और पैगाम देना चाहता हूं कि बिहार के असेंबली इंतखाबात हुए, बिहार के असेंबली के इंतखाबात हुए, बिहार में मजलिस के 5 MLA, कितने MLA, अब इन्हों जो बोलते हम रूलिंग, तुम्हारे तुम बिहार में तुम्हारे MLA नहीं है, इनके है क्या, कहा है, यहाँ खाली हम यहाँ रूलिंग है, अरे अरे बाबा बिहार में जाकर हम जीते, महाराष्ट्र में मजलिस के 2 MLA अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो बिहार को हम गए, बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे तो वहां पर भी कांग्रेस, वहां पर भी बीजेपी, बैठो बैठो कुछ नहीं, हाँ वो कुर्सी बैठी, वहां पर भी हम पर इल्जाम लगा दिया गया, मगर अल्लाह का फजल हुआ बिहार की सरजमीन पर सीमांचल जो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, वहां पर अख्तर अल ईमान की क्यादत में एमआईएम पार्टी के 5 MLA जीत कर आए अल्हम्दुलिल्लाह। आज बिहार के असेंबली में मजलिस के 5 रुकनी असेंबली, वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के सामने खड़े होकर सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं, वहां पर बिहार की विधानसभा में असेंबली में एमआईएम पार्टी के MLA खड़े होकर बिहार का दूसरा कैपिटल पूर्णिया बनाने का डिमांड करते हैं। मैं YSRCP से पूछना चाहता हूं, करनूल में हाईकोर्ट लगाने का वादा बात करे थे, कहां गया भाई, वो बोले थे नहीं बोले थे, अब कहां गया, अब हम जलसा नहीं करना, मीटिंग नहीं करना, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको एक आवाज की जरूरत है जो आपके मसाइल के लिए लड़ सके, और करनूल की म्युनिसिपैलिटी में 33 में खाली हमारे 7 लड़ रहे, 7 के 7 जिता दो आप, माबा की जवाब पे किसको डालते, डालो बीजेपी को छोड़ के आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो में मबजूल कराना चाहता हूं, कोरोना शुरू हुआ आज से 1 साल पहले पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया गया, नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के लिए टीवी पे आके कहा, भाइयों बहनों मित्रों 4 घंटे का टाइम दिए लॉकडाउन, अब लॉकडाउन ऐसा लगाया कि पूरी गरीब का कारोबार बर्बाद,
बच्चों की नौकरियां चले गई, इस जितने कारोबार थे पूरे बंद हो गए। और जब लॉकडाउन उठाने की बात आई तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने, भारत के वजीर आजम ने 6 दिन का टाइम दिया कि 6 दिन के बाद लॉकडाउन खत्म होगा। मगर जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों की परेशानी बढ़ती गई, गरीब के पास खाने को खाना नहीं था, तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने पूरे लॉकडाउन और आपके ये कोविड का कोरोना की जिम्मेदारी मुसलमानों पे डाल दी और ये कहा कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है, तबलीगी जमात को जिम्मेदार बना दिया गया। तबलीगी जमात के दिल्ली के मरकज पर छापा मारा गया, उसको बंद किया गया। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि तबलीगी जमात के मरकज को फौरन खोला जाए। दिल्ली के आप बंद नहीं रख सकते, आपका बंद करना गलत है। इसलिए गलत है कि मालूम हो गया कि जितने कोर्ट में केसेस थे तबलीगी जमात के जिम्मेदारों के खिलाफ, एक के बाद एक कोर्ट में केस खत्म होते जा रहे हैं। हार रही है सरकार वहां पर, और ये बीजेपी की तरफ से सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करने के लिए, इस्लाम के ताल्लुक से नफरत पैदा करने के लिए आपने तबलीगी जमात को जिम्मेदार करार दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक बीमारी को किसी मजहब से जोड़ दिया गया और संघ परिवार के लोगों ने कोरोना को भी कलमा पढ़ाकर उसको मुसलमान बना दिया। कभी ऐसा सुना आपने कि बीमारी का कोई मजहब होता? बीमारी का किस भी बीमार हो सकते, कोई भी बीमार हो सकता, मगर नफरत पैदा करना था। मगर अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह ने दिखा दिया कि झूठे ये है, और झूठ का अल्लाह ने बता दिया, झूठे को उसके मंजिल पर पहुंचा दिया तबलीगी जमात को बर्बाद करने के लिए। ये आलोक आए, अरे मेरे भाई, आंध्रा के लोग, आंध्रा की एक जमात लखनऊ में फंस गई थी। आप पूछो उन लोगों को, मैं बात किया, लखनऊ में एक जमात फंस गई थी, उसमें एक हमारी गुंटूर की बहन का हमल साकित हो गया। हमारी बहन प्रेग्नेंट थी, उसको फौरन दवाखाने को ले जाना था, मगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने देर कर दी, हमारी इस बहन का वो मिसकैरेज हो गया। गैर जरूरी उनको डाल के रखा गया था। कौन उठा रहा था, कौन जाकर ये कह रहा था कि कोरोना का ताल्लुक मुसलमानों से, तबलीगी जमात से नहीं है? कोई पार्टी थी सिवाय मजलिस के? कोई नहीं कह रहा था, सब डर रहे थे। हम बेबाक तरीके से टीवी पर जाकर प्रेस के जरिए से दुनिया को बता रहे थे कि इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। मगर वो लोग जो आज वोट मांग रहे, आकर बोल रहे, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम फुला हैं, हमको वोट दे दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि फिरका परस्ती का माहौल है, इस फिरका परस्ती के माहौल में मेरी आपसे दरमंदाना गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन अपना एक अकाउंट का इस्तेमाल करिए और MIM पार्टी को अपना वोट देकर कामयाब करिए। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो गुंटूर के एक मुफ्ती साहब थे मरहूम, उनका नाम गुंटूर के मुफ्ती साहब थे, उनकी सदारत में जलसा हुआ था CAA का, जमीयत उलमा के वो सदर भी थे, उनका इंतकाल हो गया और वहां के जिम्मेदार जो थे उन्होंने फोन करके बोला कि असद साहब, वो गुंटूर का कलेक्टर ये कह रहा है कि मुफ्ती साहब की लाश को दफनाएंगे नहीं, जला दिया जाएगा। मैं फौरन कलेक्टर से बात कर रहा, मेरा मिस्टर क्या कर रहे हैं आप? बोले नो सर, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। मेरा कई का ऑर्डर है? मिला हम जिंदा भी रहेंगे तो अपने पसंद के मजहब पर चलेंगे, मरेंगे भी तो अपने पसंद के मजहब के उसूल के मुताबिक जाएंगे। ये भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। फौरन मैंने आपके, हमारे वहां के नेल्लूर के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है गौतम रेड्डी को फोन लगाया और उनसे कहा कि भाई साहब, हमने तेलंगाना में गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके जियो आया है, कोई कोविड से मरने वाला मुसलमान हो, हिंदू भाई हो या ईसाई हो या सिख हो, उसका एक हमने प्रोसीजर बनाया और ये प्रोसीजर की गई कि उनकी डेड बॉडी का गुसल दबाने में चला जाएगा
हमारे सैफुल्लाह रहमानी साहब दूसरे जो जिम्मेदार हैं जमीतुल मा के, उन्होंने कहा कि हम कर सकते और प्रोसीजर बनाया कि गवर्नमेंट खुद ले जाकर खानदान 5-6 लोग रहेंगे की नमाज कब्रिस्तान में होगी और तदफीन होगी। वो जियो की कॉपी मैं आपके वाईएसआर सीपी के लीडर मौजूदा चीफ मिनिस्टर के पास भिजाया तो मेरे भिजाने के बाद आंध्र प्रदेश में उस तरह का जियो जारी हुआ। आज आप पूछते मैम पार्टी क्या कर रही, अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती साहब को, अल्लाह उनकी मगफरत करे कि मुफ्ती साहब जिंदा भी थे तो उनके इल्म से लोगों को फायदा पहुंचा, उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों को उनसे फायदा पहुंचा कि उनकी मौत सबब बनी कि कोविड में सही तरीके से लोगों को उनके मजहब के मुताबिक अपने आखिरी रसूमात करने का मौका मिला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि 10 तारीख के दिन आप अपना एक और MIM पार्टी को देकर कामयाब करिए। मैं आपको बता रहा हूं एक बात, अपनी कहकर अपनी बात को खत्म कर लूंगा। हम ये आपको बात बता रहे हैं जो रूलिंग पार्टी है, हम रूलिंग पार्टी को बता रहे, मैं 1.5 साल से रूलिंग पार्टी को बोल रहा हूं, ये बार के आपके पीछे पड़े हैं पर समझते नहीं। हमें ठीक है, मगर एक बात याद रखो, जब आंध्रा में असेंबली का इलेक्शन होगा तो बीजेपी बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी एक जिम्मेदारी है हैसियत एक सियासतदान के, मैं थोड़ा बहुत जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया या सोचने समझने की ताकत दी, मैं उसकी बुनियाद पर आपसे कह रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिस दिन डर जाएंगे इन जालिम लोगों से तो याद रखिए हम फिर कभी नहीं उठने वाले हैं। डरना नहीं है, मुत्तहिद रहना है, अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जहेज की लानत को खत्म करो, बच्चियों से अच्छा ट्रीटमेंट करो, बच्चियों को बच्चों से ज्यादा पढ़ाओ। और आपसे मैं एक वादा लेना चाह रहा हूं कि 10 तारीख को पूरे के पूरे MIM पार्टी को वोट देंगे। आप वादा कर रहे हैं, जो बाहर हजरात बैठे उनको भी हाथ उठा दो। तो 10 तारीख के दिन आप तमाम इंशाअल्लाह ताला MIM पार्टी को वोट देकर कामयाब करिए और मैं इंशाअल्लाह ताला करनूल को आता रहूंगा, रायल सीमा को आता रहूंगा, आंध्रा को आता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।